कोरोना कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो इतने केसेस क्यों हैं? सरकारी मंत्रियों के साथ तो अब मैं क्या कहूँ, ये किसान कर रहे हैं ना ठीक कर रहे हैं, हम भी सहमत है इससे। जिस दिन इस देश में नहीं है हॉस्पिटल, इस देश में नहीं है डॉक्टर, इस देश में नहीं है यह क्या भाई, वो मंत्री है प्रधानमंत्री है, उनके लिए कोई नियम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सजे बिग न्यूज। फिलहाल पहुंची हूं हिसार की आजाद नगर मार्केट में, उसी आजाद नगर मार्केट में जिसने किसानों के आह्वान पर तो केवल व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा था और सारे के सारे आजाद नगर की दुकानें बंद हो गई थी। मगर यही दुकानें जब सरकार शाम 6 बजे बंद करवा देती है तो इन दुकानदारों का रवैया कैसा है? क्या खुश है सरकार के प्रशासन के इस फैसले से या कहीं ना कहीं नाराजगी है? कितना नुकसान हो रहे हैं शाम के 6 बजे के बाद? चलिए जानते हैं, इन दुकानदारों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या है इन लोगों की राय। हर एक दुकानदार को पहले से परेशानी थी, इब और ज़्यादा परेशानी होगी। जैसे इसी तरह आप उनसे दुकानदार से बात कर लो, आप सब परेशान हैं। पहले भी एक साल बंद रहा और इब से दोबारा फिर लॉकडाउन कर दिया। बताओ 6 बजे के फैसले को कितना समर्थन देता है? ये होना चाहिए करो तो मतलब 8 बजे के या 9 बजे के बाद। आप आदि परेशान है इसमें, है जी। और ये कस्टमर खड़े इन्हें पूछ लो जी। सर 6 बजे मार्केट बंद करने का फैसला सरकार का सही है या गलत है? ऐसा है जी, देखो इसमें फैसला एक तरीके से गलत ही है क्योंकि ज़्यादातर जो दुकानदारी है वो 6 बजे के बाद ही स्टार्ट होती है। जो भी सर्विस मैन है या काम करने वाले आदमी है वो 5 बजे के बाद अपने कामकाज से वापस आते हैं, उसके बाद ही कोई खरीदारी घर के लिए या कोई सामान खरीदना है उसके बाद ही होती है। तो सरकार को एटलीस्ट जो है ये टाइम 8 बजे का करना चाहिए। एक कस्टमर के नाते क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ रही है? परेशानी तो है ही मैडम, अब आप 5 बजे के बाद ऑफिस से आओ, उसके बाद रेस्ट वगैरह करके मार्केट में सामान लेने के लिए आते हैं कोई भी चीज़, तो सारी दुकानें बंद मिलती हैं। तो बच्चों के लिए कोई प्रोजेक्ट की चीज़ें लेनी है या कुछ भी लेना है तो उसमें परेशानी तो हो ही रही है जी। धन्यवाद जी। सर क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं 6 बजे मार्केट बंद हो जाने से? कोई परेशानी नहीं मैडम, कोई परेशानी नहीं है। कस्टमर्स को लेकर अगर बात करें तो काम पर कुछ असर पड़ रहा है इस बात का? काम पे तो डेफिनेटली असर पड़ता ही पड़ता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये बहुत मुश्किल टाइम है और इसमें हमें संयम लेना पड़ेगा। हमें मानते हैं सबको तकलीफ होती है, रोजगार है लोगों के, उसमें दिक्कत पड़ती है, लेकिन जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं रहेगी तो इंसान क्या करेगा? कई लोगों का मैं सुनने को भी मिलता है कि कोरोना कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो इतने केसेस क्यों हैं या इतनी बीमारियां क्यों हैं, इतनी मौतें क्यों हो रही है? तो अगर कुछ नहीं है तो ठीक है, लोगों को होता है कि चुनावों में रैलियों में इतना रश होता है, वहां कोरोना नहीं होता, हर चीज़ है, उन चीज़ों को देख के सरकार के खिलाफ गुस्सा भी होता है और एक जायज़ भी है वो गुस्सा। लेकिन हर चीज़ों को अलग अलग तरीके से सोचना और देखना पड़ता है। हमें सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है तो गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो पब्लिक को नुकसान देख के कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं होती, जहाँ तक मेरा व्यू है। वो उनकी भी एक सोच होती है कि वो ये नहीं चाहेंगे कि हमारी पब्लिक गलत रहे, कोई कमी में रहे, उनको दिक्कत हो, बीमार पड़े। तो सरकार के ऑर्डर के हिसाब से चलना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। शाम ने 6 बजे जो मार्केट बंद करी है, मैं किरियाना और मतलब सब्जी वाले की खोलने की कह रहे हैं, तो उससे खोलने से मतलब मार्केट में पब्लिक तो कम नहीं होगी। सिर्फ एक मेडिकल खुलना चाहिए जो किरियाना है, जो दूध दही की, ये तो 6 बजे से पहले से भी पब्लिक खरीद सकती है सामान, तो उससे कोई मतलब कल मैंने वीडियो बनाई थी भीड़ में, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। मतलब 6 बजे बंद करने से, कल हमने 6 बजे मार्केट बंद करी, वैसी की वैसी भीड़, इतनी पब्लिक क्यों? वो दुकान खुलने से सिर्फ एक मेडिकल खुलना चाहिए, बाकी ये किरियाना 6 बजे से पहले भी खरीद लेते हैं कि बोले जरूरत की चीज़ें हैं भाई, पता है 6 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, किरियाना का सामान पहले भी तो खरीद सकते हैं, दूध दही पहले भी तो खरीद सकते हैं, मतलब ये उनको ही बोलो खुली छूट, बाकी है हमारी रेडीमेड जूते वाली बंद। इनसे ज़्यादा भीड़ थोड़ी हो रही है भाई, इनसे ही ज़्यादा भीड़ हो रही है, भीड़ तो ज़्यादा किरियाना सब्जी वाले इनसे हो रही है। क्या मानते हैं, सब्जी की दुकानें भी प्रॉपर बंद होनी चाहिए क्या? हाँ तो भाई भीड़ को जब काबू करने के लिए जो करे है तो भीड़ के लिए तो वे सभी बंद होनी चाहिए, सभी भीड़ में काबू पा सकते हैं रखते हैं राय दी। ये जी हमें कोई परेशानी नहीं है अभी, राइट नाउ कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर बात करें तो काम पर कितना असर पड़ रहा है आपके? काम पर तो देखो जी मैडम पड़ता ही है काम पर, तो बाकी महामारी से बचना है तो काम पर तो करना ही पड़ा काबू। थोड़े गर्मियों के टाइम आ चुके हैं, इस वजह से क्या होता है लगभग आप 12 बजे से लेकर 5 बजे तक तो बिल्कुल
मंदा होता है काम, कोई कस्टमर बाहर निकलता ही नहीं है, तो 6 बजे के बजाय अगर मतलब ये टाइमिंग 7 बजे कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, शाम का समय आपको लगता है कि बढ़ा देना चाहिए? 1 घंटा तो मैक्सिमम हो कम से कम, कस्टमर ही 6 बजे के बाद ही आते हैं लगभग वैसे तो। और कुछ फास्ट फूड वाले आइटम जो मार्केट के अंदर है वो तो ऑलरेडी शाम को ही बिकते हैं, इसके अलावा दिन में तो बिकते ही नहीं है। अब कई कस्टमर जो रेडियो वाले आते थे वो सामान ले जाना बंद कर चुके हैं, वो कहते हैं जी हमारा शाम को ठेला लगता नहीं है, तो शाम को ही हमारी आइटम बिकती है, घूमने वाला लोग जाते हैं, तो कुछ काम मार्केट में ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उससे इसके मेरे हिसाब से। मुझे ये बताइए कि रैलियाँ लगातार हो रही हैं और पब्लिक को घर से भी निकलने की परमिशन नहीं है दूसरे स्टेट्स में, इस पर क्या बोलेंगे? मैम ये तो सरकार है, अब जिसकी सरकार है वही बात, जिसकी लाठी उसकी भैंसों वाली बात है। अब पता है उनको रैलियों में उनको वोट लेने हैं, सरकार बनानी है तो वो मनमानी कर रहे हैं। वो मास्क नहीं पहने उसकी कोई कार्रवाई नहीं है, हम मास्क नहीं पहने उनकी कार्रवाई होती है। आपके पास चालान काटने के लिए अभी पुलिस आई है? नहीं, मेरे पास अभी पोलोथीन वगैरह के तो आते रहते हैं और बाकी मास्क वगैरह के भी होते हैं चलान वगैरह, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो वो तो चलो एक जनता को अवेयर करने के लिए है, ठीक है, सरकार कदम उठा रही है उसका हम सहयोग करेंगे, लेकिन जो मार्केट वगैरह बंद है तो अगर सरकार करेगी तो करेगी, लेकिन हम यही चाहते हैं अभी थोड़ा सा टाइम अगर एक्सटेंड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है जो 6 बजे के बाद मार्केट बंद करने का डिसीजन है सही है या गलत है? डिसीजन मैडम थोड़ा टाइम तो बढ़ाना चाहिए क्योंकि दोपहर में लोग निकलते नहीं है, शाम के टाइम निकलते तो 1 घंटा मिनिमम तो बढ़ाना चाहिए। सुबह का टाइम हो सकता है, सुबह के अलावा सब्जियों की दुकानें जो है वो 11 बजे तक ही खुले रहेंगे, उस पर क्या कहेंगे? मैडम सब्जियों की दुकान तो देखा जाए तो खुलनी तो चाहिए क्योंकि पब्लिक आती है, गांव से भी आती है, बाहर से भी आती है, तो आने जाने में तो टाइम तो लगता ही है, किसी के पास व्हीकल उपलब्ध है किसी के पास नहीं है, वो टाइम पर टाइम से पहुँचे ना पहुँचे फर्क पड़ता है सारी चीज़ों का। राइट, बिजनेस के तौर पर तो गलत है जी, बाकी जो महामारी चल रही है COVID-19 उसमें तो सेफ्टी के लिए तो करनी पड़े, वैसे व्यापार की तरफ से गलत। अच्छा, वैसे कभी पुलिस आई है चालान काटने मास्क का क्या? अभी फिलहाल आती भी है, आती है, आती भी है। और वही पुलिस नरेंद्र मोदी जी जब बिना मास्क घूमते हैं तो उनको लिए क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी तो ये अपना प्रधानमंत्री है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, बीमारी वैसे तो गलत है, ये अपने चुनाव तो कर रहे हैं वहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहाँ पे COVID-19 फैला रहा है क्या उसने ज्यादा, ये बीमारी बीमारी तो हर जगह ही है, तो सेफ्टी तो सारे समांतर लेने पड़ेंगे उसे, नहीं देखो वो प्रधानमंत्री क्या उन्हें आपके विचार उनके। यही है कि भाई वो मंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनके लिए कोई नियम नहीं है, हमारे लिए सब नियम है, ये है ना। सब शाम को 6 बजे मार्केट बंद करने का फैसला सही मानते हैं गलत? वह तो देखो बीमारी की वजह तो ठीक ही है, अब लोग मानते नहीं है तो क्या किया जाए बताओ। बीमारी से बचना जरूरी है जी, जी है, नुकसान तो होगा तो वो पूर्ति हो जाएगी बाद में हो जाएगी, मानते हैं ना। तो 6 बजे के बाद का फैसला आप सही मानते हैं? तो सरकार ठीक ही कर रही है जी, गलत तो कर नहीं रही, थोड़ा सा आगे बोलिए, सरकार ठीक कर रही है? हाँ, तो ये लोगों के हित में ही फैसला है जी कोई, है ना, और जो सरकार कर रही है तो हमें उनका आदेश मानना चाहिए। चलिए ठीक है, नुकसान की तो बाद में पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, का टाइम रखते हैं इस समय शाम की बजाय यदि इन्होंने लॉकडाउन या टाइम या कर्फ्यू लगाना है, टाइम के एवरेज देना है तो एवरेज सुबह बढ़ा देनी चाहिए इनको, सुबह 9 की बजाय 10 बजे कर दें, रात को कम से कम 8 बजे तक होना चाहिए, गर्मी का टाइम है, दिन में लोग होते नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो हमारे बेचारे सब्जी वाले हैं, अब इनको 5 से 8 के बीच में इनकी सब्जी होती है, उसी टाइम इनके लिए पुलिस वाले पीछे पड़ जाते हैं, सुबह होता नहीं, तो ये इनको सिस्टम जो एक ये नहीं है कि लॉकडाउन आपने लगा दिया, एक पब्लिकली क्या हो रहा है, कैसे किसका काम चल रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये इस तरह के इंतजाम करने चाहिए, ये नहीं है कि ऊपर से आदेश थोप दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आम जनता की राय प्रशासन को मांगनी चाहिए या नहीं इन छोटे छोटे फैसले लेने से पहले? बिल्कुल बिल्कुल मांगनी चाहिए जी, ये जो बैठे IAS है ना इस सरकार के अंदर, मैं तो आपको एज दुकानदार होते कहता हूँ, इस सरकार से ज्यादा इनके जो ऑफिसर है उन्होंने बैठा बिठा रखे हैं, मर्जी में फतवे जारी कर देते हैं, उनको ये पता नहीं पब्लिक क्या है। आप जाते हो, आप देखो, आप सुबह 9 बजे सब्जी कैसे ले लोगे, आप 5 से 8 सब्जी शाम को जब लेके आते तब लोगे, आप कैसे लोगे, कैसे 10 बजे तक चार लेके नहीं आप आता यहाँ से, ऐसे ही है, मतलब अपना दुकानदार है या नहीं आप आता, सुबह हम 11 बजे आ जाएंगे नो प्रॉब्लम, शाम को 8 बजे तक दे दो, टाइम पीरियड करना दे दो क्या दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ये भी मान जाएंगे हम भी मान जाएंगे। जो सरकारी मंत्री हैं खुद भी मास्क नहीं लगाते हैं, आम जनता के 10,000 के उनका तो छोड़ दो, उनका तो छोड़ दो, सरकारी मंत्रियों के साथ तो अब मैं क्या कहूँ, ये किसान कर रहे हैं ना ठीक कर रहे हैं, हम भी सहमत हैं इससे, एज व्यापारी होते हुए हम सहमत इनके साथ ठीक कर रहे हैं। आपके घर में फंक्शन है, 50 आदमी 55 हो, आपको चलान करेगा, पुलिस आपकी बेइज्जती कर देगी, ये बगैर मास्क ले जबरदस्ती प्रोग्राम कर रहे हैं, वो इज दिस।
व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है? खुद के प्रधानमंत्री साहब, प्रधानमंत्री का तो मैं क्या कहूँ आपको, जो रैलियाँ वहाँ कर रहा है, यहाँ पर शाम को 6 बजे चुटकी बजा के वो देता है, चुटकी बजा के ये कहता है कि आप फॉलो करो, फलाना करो, ऑक्सीजन इस देश में नहीं है, हॉस्पिटल इस देश में नहीं है, डॉक्टर इस देश में नहीं है। मतलब ये आपके भारत के इतिहास में इस प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाएगा, आप आगे आगे देखते जाना। तो ये थी आज़ाद नगर मार्केट का हमारा एक सर्वे, जिसमें हमने लोगों से, दुकानदारों से बातचीत की है। जाना है आज़ाद नगर के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनसे कि आखिरकार शाम 6 बजे के बाद दुकान बंद करने का फैसला उन्हें सही लगता है या गलत, और अगर हाँ तो इस फैसले से वो कितने जो है एग्री करते हैं, और अगर नहीं तो उन्हें नुकसान कितना हो रहा है इस मार्केट को बंद रखने से या सभी मार्केट्स को बंद रखने से। इसके साथ ये वीडियो यहीं तक, आगे भी वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी ब्रेक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।